हेलो गाइस, दिस इज एलीट ब्रेटिस एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट राष्ट्रीय राइफल्स। मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन के नाम पे कोई ऑनलाइन आर्टिकल या विकिपीडिया का पेज पढ़ के नहीं सुनाने वाला। मैं कोशिश करूंगा कि आपको राष्ट्रीय राइफल्स का उस नजरिए से दिखा पाऊं जैसे वो सच में है। राष्ट्रीय राइफल्स एक काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट फोर्स है, एटलीस्ट इंटरनेट के हिसाब से। राष्ट्रीय राइफल्स है क्या और इन्होंने क्या कर दिया है देश के लिए, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। 1990s इंडियन मिलिट्री के लिए एक ड्रामेटिक पीरियड था। एक तरफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका से एक ब्लडी बैटल लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद निकल रही थी, तो दूसरी तरफ कश्मीर में एक बड़ी इंसर्जेंसी सर उठा रही थी। श्रीलंका में इंडियन मिलिट्री को काफी लेसन लगे और उन्हीं में से एक लेसन था कि आप अगर जंग लड़ रहे हो तो उसे जंग कहिए, ना कि कोई छोटी मोटी लड़ाई। जब कश्मीर में जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों का अपने घर छोड़ के भागना पड़ा, तब सिचुएशन कितनी गंभीर है इसका अंदाजा हुआ देश को। टिल डेट कश्मीर में हो रही लड़ाई को मीडिया ने कभी इंसर्जेंसी तो कभी फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दिया, लेकिन इंडियन आर्मी बहुत इनिशियल स्टेज में समझ गई थी कि यह महज एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आज हम उस समय को देख रहे हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स ने कंटिन्यूस और परसिस्टेंट इंसर्जेंसी के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन इंडिया में कश्मीर में जो कि बिल्कुल इसी तरह की कंटिन्यूस हाई इंटेंसिटी और परसिस्टेंट इंसर्जेंसी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। कश्मीर के हालात ही बदल दिए जहां पे सिचुएशन बिल्कुल अफगानिस्तान जैसी थी। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर ये सब करने में किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है इंडियन आर्म फोर्सेस, स्पेशली इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स का। RR 1990s में रेज हुई, लेकिन 1993 और 1994 के बीच में इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए जिन्होंने RR को इतना इफेक्टिव बनाया, साथ ही साथ इंडियन आर्मी को किसी भी चैलेंज के लिए एवर रेडी रहने में बहुत हेल्प की। राष्ट्रीय राइफल्स की सबसे पहली डिप्लॉयमेंट पंजाब में थी, लेकिन जब जनरल बिपिन चंद्र जोशी 1993 में आर्मी चीफ बने तो उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स को एक्सपैंड किया और जहां कुछ पलटन्स काम कर रही थी उसी जगह जनरल जोशी ने 36 बटालियन डिप्लॉय कर दी। जनरल जोशी ने ही ये कंक्लूड किया था कि ये कोई इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि एक प्रॉक्सी वॉर है। पाकिस्तान जिसके थ्रू एक वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट चलाना चाहता है, और वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने जंग को जंग कहा, ना कि कोई छोटी लड़ाई। जनरल जोशी ये मानते थे कि कश्मीर में लड़ना दुनिया में कहीं और सिटी ऑप्स करने से अलग है, क्योंकि कश्मीर इंसर्जेंसी की शुरुआत ही अर्बन एरिया से हुई जो कि पुराने और कहीं के मिलिटेंसी के पैटर्न से ऑलमोस्ट अलग थी। इसलिए जनरल जोशी ने RR को एक्सपैंड किया और उन्हें कई ग्रुप्स में बांट दिया। जनरल जोशी का विजन था कि वो एक ऑल आर्म्स इंक्लूडेड काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट फोर्स बनाना चाहते थे। RR को 5 डिवीजन हेडक्वार्टर में डिवाइड किया गया जिन्हें किलो फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स, विक्टर फोर्स, रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स कहा जाता है। 5 डिवीजन हेडक्वार्टर्स आगे चल के 12 सेक्टर हेडक्वार्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं। हर सेक्टर हेडक्वार्टर एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरह काम करता है और यही ब्रिगेड हेडक्वार्टर आगे चल के बटालियन हेडक्वार्टर एंड देन कंपनी स्टेशन में डिवाइड हो जाते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स की हर बटालियन में 1000 से 1200 ट्रूप्स होते हैं और हर RR बटालियन एक इन्फेंट्री रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब बटालियन के अंदर के अराउंड 60% ट्रूप्स पेरेंट इन्फेंट्री रेजिमेंट से आते हैं और बाकी बचे हुए 40% ट्रूप्स कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स और सर्विस आर्म्स से। अगर आप लोग इन्फेंट्री, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स और सर्विस आर्म्स में कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज मेरा आर्मी का स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा सब। वो वीडियो टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा है। हर RR बटालियन के CO और उनके 2 IC पेरेंट रेजिमेंट से ही होते हैं। जब हम इस स्ट्रक्चर को मैक्रो एस्पेक्ट में देखते हैं तो जनरल जोशी का विजन क्लियरली नजर आता है कि कैसे उन्होंने इंडियन आर्मी की हर आर्म्स को बैटल हार्डन्ड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि सिर्फ अगर इन्फेंट्री बटालियन ही कश्मीर का एक्शन देखती तो ना हम इतना बड़े एरिया को इतनी अच्छी तरीके से कवर कर पाते और हमारे कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स और सर्विस आर्म्स पूरी तरह से एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट फाइट से बाहर रह जाते। अब RR की कौन सी फोर्स कहाँ डिप्लॉयड होगी इसका सोल्यूशन बहुत सीधी तरह से निकाल लिया गया था। विक्टर फोर्स और किलो फोर्स को नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल रेंजेस का एरिया दिया गया और डेल्टा और रोमियो फोर्स को साउथ ऑफ पीर पंजाल का, जबकि यूनिफॉर्म फोर्स उधमपुर और बनिहाल के एरिया में ऑपरेट करती है। अपार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन, जनरल जोशी ने जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया वो वही डिसीजन था जिनसे उनके प्रेडिसेसर शायद सहमत नहीं थे। वो था 39th माउंटेन डिवीजन और 6th माउंटेन डिवीजन जो कि बरेली में थी उन्हें कश्मीर में डिप्लॉय करना, क्योंकि ये एलीट डिवीजन काफी टाइम से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी से लड़ रही थी और काफी बैटल हार्डन्ड फॉर्मेशंस थी। इससे राष्ट्रीय राइफल्स को एक बहुत बैटल हार्डन्ड और एक्सपीरियंस्ड फोर्स का सपोर्ट मिला इन द इनिशियल डेज। माइक्रो एस्पेक्ट में इस फॉर्मेशन की खूबसूरती और इफेक्टिवनेस बेहतर रूप से मालूम चलती है। समय के साथ RR सिर्फ एक काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट फोर्स ही नहीं रही बल्कि वैली का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई, जहाँ पे उन्होंने अपने 72 वर्जन डेटिंग सर्विस को तो जारी रखा ही
लेकिन साथ में वैली में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। ऑपरेशन सद्भावना जैसे ब्रिलियंट इनिशिएटिव लिए जिनका असर हमें आज दिखता है और जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ सकता है। आप आज कश्मीर की कितनी भी अंदर चले जाइए, आपको वहाँ राष्ट्रीय राइफल्स की कोई ना कोई यूनिट जरूर मिल जाएगी। इसी टाइप की डीप प्रेजेंस का एक टैक्टिकल एडवांटेज भी है जो RR को कश्मीर में इतना सफल बनाता है। इतनी डीप प्रेजेंस कश्मीर के रिमोटेस्ट एरिया में कश्मीरी लोगों को फौज के साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट करने का मौका दिया, जिससे फौज की इंटर ऑपरेटेबिलिटी लोकल पॉपुलेशन के साथ बहुत बढ़ी। इससे हमें टेरेन और लोकल एनवायरनमेंट का तो बेहतरीन नॉलेज हुआ ही, साथ में लोकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो गई, क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि फौज उनकी हिफाजत के लिए है। इन्फॉर्मेशन ऑफ टेरेन एंड लोकल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इन एनी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। आज हालात ये है कि इंडियन आर्मी का इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत है कि किसी भी आतंकवादी की लाइफ टाइम ड्यूरेशन कुछ घंटों की ही बचा है, और ज्यादा लकी हुआ तो कुछ महीने। राष्ट्रीय राइफल्स की इफेक्टिवनेस जानने के लिए आपको इन नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टैट सी किसी फोर्स को बाहर से जज करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा देखें राष्ट्रीय राइफल्स का, फ्रॉम 1988 टू 2019 RR ने 56,232 इंसिडेंट्स में 23,500 ट्रू बिलीवर्स को 72 किया, जिसमें आफ्टर कारगिल RR मानो रैम्पेज पे थी। साल 2000 में 1,708 हुए, साल 2000 में 170872 हुए, 2001 में आज तक का सबसे ज्यादा 235472 हुए, 2002 में 125872, 2003 में 1,500472, साल 2000 से 2021 तक 845 सरेंडर्स और 5,109 पिग्स को अरेस्ट कर चुकी है RR। आर्म्स रिकवरी के केसेस टोटल 6,089 हैं 2000 से 2021 तक। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड बेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिस्ट फोर्स। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर वेटरन जिन्होंने स्पेशल फोर्सेस में और RR में कई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे काम किया है, उन्होंने RR के पीक के टाइम के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर शेयर किए। ये किल टू डेथ रेशियो है अलग अलग सर्विसेज का जो इन इंसर्जेंसी की पीक पे ऑपरेट कर रही थी। स्पेशल फोर्सेस 30:1, आर्मी विदाउट SF 18:1, BSF 10:1 एंड CRPF 6:1। ये KD रेशियो बताता है कि जब RR सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ ऑपरेट कर रही थी तब भी वो इस गेम को डोमिनेट कर रही थी, जबकि उनके साथ कई स्ट्रिंग्स अटैच थी, क्योंकि उस टाइम की JNK की गवर्नमेंट या तो कोऑपरेटिव नहीं थी या नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही थी। पर सिचुएशन तब भी कंट्रोल में थी और आज भी पूरे कंट्रोल में है। राष्ट्रीय राइफल्स के साथ सबसे बड़ा चैलेंज था कि स्टेट की इकोनॉमी को बिना अफेक्ट किए ऑपरेशंस कैरी आउट करना, और जो RR ने किया वैसा पूरी दुनिया में किसी फोर्स ने नहीं करके दिखाया है। आज अगर जम्मू और कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी नजर आती है या फिर डेवलपमेंट का चांसेस दिखते हैं, तो बहुत बड़ा क्रेडिट दुनिया की सबसे बेहतरीन CTCI फोर्स को जाना चाहिए। यह है राष्ट्रीय राइफल्स और इनका नाम ही काफी है। इस वीडियो को आप एक इंट्रोडक्शन मानिए राष्ट्रीय राइफल्स का। ये पार्ट वन है और इस सीरीज में आगे और वीडियोस लाऊंगा जो राष्ट्रीय राइफल्स को और डिटेल में कवर करेंगे और आप लोगों को एक बेहतरीन इंसाइट देंगे दुनिया की सबसे सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट फोर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके ग्रुप के वेस्टर्न फोर्सेस के फैन बॉयज के साथ शेयर करिए और उन्हें एक रियलिटी चेक दीजिए। थैंक यू।